So, hi guys! Finally, मैं आपको बता के बहुत खुशी हो रही हूँ मुझे. मैं कहीं जा रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ अभी मैंने आपको बताना नहीं है. तो अभी मैं निकली हूँ एयरपोर्ट के लिए. बहुत लेट हो चुका है, फ्लाइट का टाइम मुझे ऑलमोस्ट हो चुका है. मुझे जब जल्दी जल्दी जाना है तो मुझे ब्लॉग शूट करने टाइम नहीं मिला. तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. अभी सब निकली हुई लगेज कैसे है, बहुत ज़्यादा लगेज हो गया एक्स्ट्रा. तो हम देखते हैं एयरपोर्ट पर क्या होता है, कितने लगेज का क्या सीन होगा. आज तक आपने मुझे बहुत प्यार किया है, मेरी सारी वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपको मेरे साथ हमेशा हो और ऐसे ही आपको कपैर मुझ पर बना रहे. तो अभी कुछ मैं जा रही हूँ बहुत टाइम के लिए मुंबई से बाहर. तो मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं इस वक्त मैं जा रही हूँ. पर इस बात की खुशी भी है कि मुझे कुछ करना है, मैं छोड़ना पड़ेगा. और दुख भी है कि मैं अपने फ्रेंड्स से दूर जा रही हूँ, अपने फैमिली से दूर जा रही हूँ. तो अच्छा नहीं लग रहा. मेरे फ्रेंड्स ही मेरी फैमिली है. और मिस यू गाइस, बहुत जल्दी मैं आऊँगी और आप लोगों से मिलूँगी. तो जैसे आप भी मेरी फैमिली को मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना और मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. क्योंकि आफ्टर वन ईयर के बाद मेरा ये सेकेंड ब्लॉग है, जो अजमेर वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा था और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया उसको. ऐसे बहुत सारा प्यार मुझे करते हैं ना. और अभी बहुत सारे ब्लॉग्स आते रहेंगे, नए नए ब्लॉग्स आप लोगों को देखने मिलेगा. तो ब्लॉगर टीना चैनल को सब्सक्राइब कर लो. और बहुत कुछ बातें जो मैं धीरे धीरे बताऊँगी. और मुझे थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो पहले मैं एयरपोर्ट गाइस. फाइनली अभी हम बोर्ड कराने जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. मैं सामान बोर्ड कर दिया है, ये मेरा कैबिन में जाने वाला सामान है. लगेज मैंने बोर्ड कर दिया और अभी फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट होती है. थोड़े टाइम बाद मेरी फ्लाइट है, अभी हमको जाना है. गेट 53 से है मेरा, 5 मिनट तक, तो मुझे वहाँ तक जाना है. तो हमने की है कुछ शॉपिंग मीन्स फूड लिया हमने यहाँ से, क्योंकि एयरपोर्ट पर फूड बहुत ज़्यादा महंगा है. तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे मशीन्स होते हैं, वहाँ से हमें कुछ लेना है तो हम ले सकते हैं, जैसे स्नैक्स एंड ऑल. तो वो चीज़ें हमें लेने के लिए यहाँ पे सस्ते में मिल जाता है. तो उस चीज़ों के लिए आप फ्लाइट से जाने से पहले यहाँ पे छोटे छोटे कूपन्स वाले मशीन्स होते हैं, वहाँ पर आप पैसे डाल के आपको जो चाहिए वो एंटर करके आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी. अभी हमें तो चलना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम हैं अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आई गो, तो इस वजह से ज़्यादा चलना पड़ रहा है मुझे. कोई नहीं, आज एक्सरसाइज हो जाएगी. मेरे से ज़्यादा आगे तो मेरी बैग चल रही है, जिसको कुछ काम धंधा नहीं है मेरे बैग को. आउच. गेट नंबर 53 48 पर पहुँची हूँ मैं अभी. तो मुझे 53 तक चल के जाना है. एयरपोर्ट पे ऐसे छोटी छोटी मशीन होती है, यहाँ से आपको सस्ते में चीज़ें मिल जाएगी, जैसे थोड़ा सा स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऐसी चीज़ें यहाँ से हमें मिल जाएगी. तो वहाँ पे नंबर होता है, वो एंटर करके हमें मिल जाता है. तो मैंने भी यहाँ से ही वो सारी चीज़ें ली है, बहुत अच्छी मिली मुझे. तो मैं हमेशा लेती हूँ यहाँ से चीज़ें सारी. तो अभी मैंने ले ली है और अभी मुझे गेट नंबर 53 के पास जाना है. तो 48 तक मैं पहुँच चुकी हूँ. चलो बाय. फ्लाइट के अंदर एंट्री कर चुकी हूँ. मुझे हमेशा मिलती है विंडो सीट और मुझे बहुत अच्छा लगता है विंडो पे बैठना. पता नहीं इस विंडो में क्या ही सुकून है, बहुत अच्छा लगता है विंडो सीट पे बैठ के ट्रैवल करना और पीछे बातों को भूल जाना. विंडो से जब बाहर देखते हैं तो बहुत अलग ही सुकून मिलता है. तो अभी हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद. के फ्लाइट बुक की थी, उसमें 1 मील मिलता है जिसके पे हमें ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अभी ये हमें मिला है, ये मैंने लिया है अभी.
एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत टेस्टी है ये सब, इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा, बट मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद आया, पेस्ट्री, आई लव इट। इसके लिए मैं 100% इसको बोल रही हूँ। सो गाइस, हमारी दिल्ली तक की जर्नी तो कंप्लीट हो चुकी है, हम सेफली दिल्ली पहुंच गए और अभी हमने हमारी फ्लाइट को किया बाय बाय और आगे की जर्नी कंटिन्यू करना है। अभी हमें जाना है, थक गई, अभी हमें जाना है लगेज लेने के लिए बेल्ट नंबर 7 पे, हमारा लगेज वहाँ से मिलेगा। बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, ये बोलने का भी मन नहीं कर रहा है अभी, तो अभी हम खुद के पैरों का यूज़ ना करते हुए अभी हम इसका इनका यूज़, ये हमारे पैर दर्द को आराम दिलाएंगे क्योंकि मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ मैं इस वक्त तो। तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं सामान लेने और दिल्ली पहुँच के अच्छा लग रहा है। तो आज गाइस मैं यहाँ पर स्टे करने वाली हूँ दिल्ली में, मैंने होटल लिया यहाँ पर स्टे करके, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की दूसरी फ्लाइट है। तो फिलहाल तो मैं पहले रूम पर पहुँच जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बाय बाय, लव यू गाइस, और थैंक्स, आपने मेरे लिए हमेशा दुआ प्रार्थना सब चीज़ें की है, इस वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ और मेरा बैग भी। तो फाइनली मैं रेस्ट हूँ दिल्ली में, जाके रूम पर बात करती हूँ। बाय बाय, मेरा बैग भी अब मेरे साथ नहीं जाना चाहता, मैं क्या ही कर सकती, इसको भी मेरे साथ नहीं जाना, देख रहे हो, ये भी अपना अपना अकेला अकेला जा रहा है, मेरे साथ नहीं जा रहा, सही है, सब छोड़ के जा रहा, तू भी जा रहा छोड़ के दे। और अभी मैं बैग वगैरह लेके निकल गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर और हमें जा रही हूँ अपने होटल पर। आज जा रहा आपको मैं स्टे करने वाली हूँ, फिर आगे की प्लानिंग धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी। फिर कल मुझे वापस आना है तो देखते हैं क्या होता है। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रूम में और रूम में आते ही मैंने सामान रख दिया है मेरा और मैं ज़्यादा थक गई हूँ तो मैं को ज़्यादा बोलना नहीं है। तो अच्छा, मेरे नेल्स एक्सटेंशन कैसे लग रहे बताना कमेंट्स करके, कैसे लग रहे हैं नेल्स एक्सटेंशन। और कवर में लड़कियों की आदत होती है पैसे रखने की, तो मैंने भी रखा है और गिर गई। फाइनली मैं होटल में हूँ, ये मेरा होटल है और आते ही हमने गंदगी कर दी, यहाँ पे मुझे रहना है बस सुबह तक। हेलो गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मेरे फ्लाइट का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट बज रहे सुबह के 4, तो मुझे अभी एयरपोर्ट निकलना है क्योंकि मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो मुझे टाइम से एयरपोर्ट पहुँचना है नहीं तो मुझे और लेट हो जाएगा, तो इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो भी बात करने का टाइम नहीं, फटाफट एयरपोर्ट निकलती हूँ क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक अभी तो नहीं होगा आई थिंक सो, फिर भी मैं निकल जाती हूँ, आपको मैं बाद में बताती हूँ। बाय, लव यू गाइस, होटल को करना है बाय बाय, ये मेरा पिज़्ज़ा और इंश्योरेंस और सारी चीज़ें हैं जो मुझे एयरपोर्ट पे दिखानी है, ये मेरा होटल था। तो अभी हम कह रहे हैं होटल को बाय बाय, मिलते हैं एयरपोर्ट पर। ये सामने टर्मिनल 3 है, ये मैं फाइनली पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट टर्मिनल 3, मे बी शायद दिख रहा होगा, यहाँ से मेरी फ्लाइट है दुबई की। ये है एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
हेलो गाइस, फाइनली मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया। बट मैं आपको बोलना चाहूँगी, इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का सबसे गंदा एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि मुझे कस्टम वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया इस बार। इस बार मीन्स फर्स्ट टाइम ही मुझे परेशान किया, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बहुत ट्रैवल किए इंटरनेशनल, जैसे बहुत जगह घूमी मैं, बट कभी मुझे ऐसे इशू नहीं हुआ। पर फर्स्ट टाइम जब अभी मैं दुबई के लिए फ्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है और मुझे बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला इस टाइम। फिर भी ठीक है, बाद में फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के फाइनली इमिग्रेशन तो कम्प्लीट हो चुका है मेरा। और अभी मैं जा रही हूँ फाइनली फ्लाइट के पास, मुझे जो आना पहुँचना है टाइम पे। तो इमिग्रेशन तो कम्प्लीट हो चुका है, तो अभी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि उन्होंने ऐसे जिस तरीके से बात किया वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। उसको ऐसे देख के लग रहा था कि जैसे कि मैं क्रिमिनल हूँ और पता नहीं मेरा क्राइम क्या है। बट इट्स ओके, लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस मिलना भी ज़रूरी है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ, सबके साथ शेयर किया, आप लोगों के साथ। तो आप लोग भी ये चीज़ों को फॉलो करना, अपने पासपोर्ट में जब आप एंटर करते हो तो अपना पासपोर्ट, वीज़ा और सारी चीज़ें चेक करके ही निकलना। बट इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद में एक चीज़ अच्छी थी कि फाइनली मेरा हो गया इमिग्रेशन, और अब मैं जा रही हूँ चॉकलेट्स लेने, क्योंकि ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेट लेके कंट्रोल नहीं होता। तभी मैं शॉपिंग करूँगी। कभी हम दिल्ली से फ्लाइट में बैठ चुके हैं इतने सारे टम्स और कंडीशन के बाद दुबई के लिए। अभी मुझे दुबई पहुँचने के लिए 11 बजेगा, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो देखते हैं रेट से कितना टाइम होता है पहुँचने को दुबई में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी फाइनली बज रहे हैं 11:30 और हम लैंड करने वाले हैं दुबई में। तो शक्ल बहुत अच्छी दिख रही है, आई नो आपको दिख रहा है। तो अभी हम लोग दुबई पहुंच चुके हैं, हो रहा लैंडिंग का टाइम। ट्रेन आ रही है मुझे दुबई में लैंड करके वहाँ पर। मैं दुबई पहुंच चुकी हूँ और यहाँ से मुझे गाड़ी आएगी लेने के लिए, पिकअप करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, शक्ल बहुत गंदी हो गई है नो, बट इट्स ओके। कलेक्ट करना है, बैग कलेक्ट करना है, इसीलिए हमें ट्रैवल करते एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, और एयरपोर्ट से हमें बैग कलेक्ट करने के लिए दूसरी जगह जाना है, दूसरे एयरपोर्ट पे। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से हमें ट्रेन पकड़ना है, मतलब एयरपोर्ट से ही ट्रेन रहती है, उस ट्रेन से हमें कंटिन्यू ट्रैवल करके आगे जाना है, वहाँ से बैग कलेक्ट करके हमें एग्जिट करना है। मतलब दुबई में ऐसा सिस्टम है, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। जाना हमें रिक्लेम, तो अब हमारा ट्रेन आ चुका है और अभी हमें इसी ट्रेन से ट्रैवल करना है। तो अभी हम आगे जाएंगे, खुल जा जल्दी ब्रो, खुल जा खुल जा खुल जा, ये खुल क्यों नहीं रहा है, कितना टाइम ले रहा है, पैसेंजर उतरने का वेट कर रहे हैं। हमारे मुंबई में तो बस से लेके जाते, दुबई में यार ट्रेन पे लेके जा रहे हैं। तो मज़ा न्यू लाइफ, ये वहाँ से बंद हो गई थी, यहाँ से खुलेगी, मैं भी शायद हमारी खुल गई है। बैग कलेक्ट करने हम लोग जा रहे हैं, और ये हम लोग अभी जैसे दिल्ली में मेट्रो होता है, वैसे दुबई में बैग कलेक्ट करने के लिए ट्रेन है, जैसे हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो ट्रीटमेंट
देखो मतलब इतनी अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है दुबई में, अच्छा लगा। ये मैंने पता है फ्लाइट में से ना बुर्ज खलीफा देखा है, बट वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा सन की वजह से वो कैमरे में प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। नहीं तो मैं तुमको फ्लाइट में से बुर्ज खलीफा दिखा दी कैसा दिखता है। कोई नहीं, हम जाएंगे बुर्ज खलीफा तो आपको दिखाएंगे अच्छे से प्रॉपरली। तो हमारा स्टेशन आ चुका है बैगेज क्लेम करने वाला स्टेशन। अभी हमें यहाँ से बैगेज क्लेम करना है, तो हमारी बैगें हमको लेके निकलनी है। तो पता नहीं इनका क्या ही चल रहा है, इनका क्या ही चल रहा है, देख रहे हो ये हमारे साथ ऐसे वाली फीलिंग आ रही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को बहुत 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 सारा प्यार देना और ब्लॉगर टीना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी दुबई की जो जर्नी है आप लोगों को मैं बता सकूं कि मैंने दुबई में कितना इन्जॉय किया है। तो बहुत सारा प्यार देना, और ये वीडियो इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, इसीलिए मैंने इसको प्रॉपरली एंड नहीं किया है। तो इसीलिए ये वीडियो को पूरा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइज, थैंक यू सो मच।